ये लीजिए आपका सामान। थैंक यू। अच्छा नताशा, आज शाम को ऑफिस के बाद का क्या प्लान है? मतलब ऑफिस से सीधा घर आएंगे? अरे मेरा मतलब है कि ऑफिस के बाद कहीं बाहर चलते हैं ना, बहुत दिन हो गए, कुछ खावा के आएंगे। क्या जरूरत है बाहर पैसे खर्च करने की, आप मुझे बता दीजिए ना, मैं बना दूंगी आपके लिए। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम मरते हैं जाने मन। अब मस्का लगाना बंद कीजिए, चलिए लेट हो रहा है। ओके बॉस, चलो मैं अभी तुम्हें अपने हेलीकॉप्टर पर छोड़ दूँ। आ जाइए। चलो बैठिए जनाब। जनाब आपका ये हेलीकॉप्टर ना खटारा हो चुका है, इसके दोनों टायर घिस चुके हैं, अब तो चेंज कर लीजिए। अरे मैडम, अब तक आपको इसी खटारा हेलीकॉप्टर पे घुमाया है, और वैसे भी इस महीने नया ले लूंगा मैं। बैठो बैठो, चलिए चाय लेंगे कॉफी? मैं तो खाली आम ही खाऊंगा। ठीक है, तो मैं भी कर देती हूँ, आप चेंज कर लीजिए लात को। अरे साहिल भाई आ गए ऑफिस से? हाँ हाँ सत्य भाई आ गए, आइए बैठिए। अरे हम आए तो बैठेंगे भी साहिल भाई, और चाय भी पियेंगे और कुछ खाएंगे भी। क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा साहिल भाई एक बात है, ये मेरा रोज रोज आना आपका बुरा तो नहीं लगता ना? सत्य भाई कैसी बात कर रहे हो आप, हम क्यों बुरा मानेंगे? वैसे भाभी जी कैसी हैं? अरे भाभी जी की मत पूछो यार, वो तो महीने में 22 दिन अपने मायके में ही रहती है। लेकिन तुम बड़े खुद नसीब हो यार, तुम्हारी बीवी कहीं नहीं जाती है। अरे वाह आम। अरे भाई मैं आज आम के बारे में सोच ही रहा था, और देखो आम मिल भी गए। खाइए ना, आप ही के लिए तो लाई हूँ। अरे थैंक यू भाभी जी, आपने तो दिल जीत लिया आज। अरे वाह भाभी, खाइए भाई सब खाइए, आपके हिस्से का भी लाए थे आज हम। भाभी जी आप मेरा कितना ख्याल रखती है भाभी जी। अब पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? हाँ वो तो है भाभी जी, बिल्कुल वो तो है। सत्य भाई आप मुझसे उम्र में कितने बड़े हो? वो तो है वो तो है। तो मैं आपकी भाभी कैसे हुई? भाभी जी उम्र से क्या फर्क पड़ता है, उम्र का क्या लेना देना, हमारा मन करता है आपको भाभी बोले इसलिए भाभी बोलते। सत्य भैया मैं खाना भी बना देती हूँ आपके लिए, वो भी खा के चले जाइएगा। अरे नहीं भाभी जी नहीं, मेरा तो आम खा के मेरा पेट भर गया, अब खाने की जरूरत नहीं है, मेरा तो आम खा के पेट भर गया। अब मैं चलता हूँ। साहिल देखिए मुझे ना सत्य भैया का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे यार मैं कौन सा उन्हें बुला के लाता हूँ, वो खुद ही आ जाते हैं, अब आए हुए को ऐसे मना तो नहीं कर सकते ना। छोड़ो तुम, लो आम खाओ। आप ही खाइए मुझे नहीं खाने। अरे वाह साहिल भाई चाय पी रहे हो। अरे मैं तो घर से सोच के आया था कि साहिल भाई के साथ चाय पीनी है। मैं लेकर आता हूँ। तो यार खीर क्या बना के? हाँ हाँ मुझे पता था कि तुम कभी भी टपक सकते हो। अरे क्या बात साहिल भाई, कितने अच्छे हो यार तुम। हाँ काम कर रहे लैपटॉप पे, चलो मन भी कर रहा है चाय पीने का। चलिए हाय क्या रहा भाई,
ये लो सकते भाई चाय। अरे वाह वाह वाह, अरे मजा आ गया भाई। मजा आ गया। साहिल भाई, नताशा भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो आज उसके ऑफिस में ना कुछ खास काम था तो इसलिए ऑफिस गई है। क्या ऑफिस चली गई, वो भी संडे को? संडे को ऑफिस में क्या काम? हा? अरे भाई होगा कोई काम, आप चाय पियो। अरे क्या बात कर रहे हो साहिल भाई, आपको पता भी है कि ये बॉस लोग कैसे होते हैं? और भाभी खूबसूरत भी तो बहुत है। सत्य भाई ये कैसी बकवास कर रहे हो आप? मिर्ची लगी ना, झटका लगा ना। देखो सत्य भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए साहिल भाई, इसीलिए मैं तुम्हारी बंद आंखों से पर्दा हटाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। समझदार होते ना तो संडे वाले दिन भाभी को ना ऑफिस ना भेजते तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? नताशा भाभी को फोन लगाओ। लगाओ। लेकिन फोन क्यों लगाऊं? ऐसा करो, मेरे कहने से फोन लगाओ एक बार। लगाओ। ठीक है, लगाता हूँ। आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में साहिल भाई? अरे किसी काम में बिजी होगी इसलिए नहीं उठा रही है फोन। साहिल भाई मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूँ कि नताशा भाभी बिजी होंगी किसी विशेष काम में, वो भी संडे के दिन। ध्यान रखना, बिजी संडे ऑफिस। नताशा ने फोन स्विच ऑफ क्यों कर लिया? कहीं सत्य की बात सच तो नहीं है? आपको पता भी है कि ये बॉस लोग कैसे होते हैं? और भाभी खूबसूरत भी तो बहुत है कि नताशा भाभी बिजी होंगी किसी विशेष काम में, बिजी होंगी किसी विशेष काम में, इसीलिए हर हफ्ते संडे के दिन ऑफिस जाती है। गर्मी आज तो जनाब गहरी नींद में है। अरे सत्य भाई आए थे क्या? छोड़ दिया बॉस ने। क्या बताऊं साहिल, आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत बड़े डायरेक्टर्स आए हुए थे पता है आपको, और उसी बीच आपका कॉल आ रहा था। अब आप ही बताइए कैसे उठाती मैं आपका फोन, मजबूरन मुझे बंद करना पड़ा। और आपको एक गुड न्यूज दूं, सर ने मेरी परफॉर्मेंस पे मुझे बोनस दिया है पूरे 10,000 का, ये लीजिए। मैं चेंज करके आती हूँ, बस अभी आके बात करते हैं। परफॉर्मेंस माइक फुट, पता नहीं कहाँ ही चले गए, सुबह से ही गायब है। ओ नताशा भाभी कैसे हो? हो गया पकड़ कहीं का। ठीक हूँ मैं, आप बताइए। क्या बात है, साहिल भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे? शायद किसी काम से बाहर गए हैं, सुबह से ही नहीं है। अच्छा अच्छा, और क्या पी रहे हो अभी? लस्सी पी रही थी, वो गर्मी बहुत है ना तो लस्सी बनाई थी। तो भाभी गर्मी क्या सिर्फ भाभी को लगती है क्या? हमें भी गर्मी बहुत लगती है। पी लीजिए, आप पी लीजिए, उनके लिए दोबारा बना दूंगी। अरे वाह भाभी आप तो बहुत अच्छे हो। वाह भाभी क्या लस्सी बनाई है आपने, मजा आ गया। भाभी संडे को आज साहिल कहाँ चला गया, वो भी आपको बिना बताए? पता नहीं भैया, सुबह से ही गायब है। भाभी ऐसा करो, साहिल को एक बार फोन करो, अभी पता चल जाएगा साहिल का। ठीक है भैया, करती हूँ। फोन करो।
कॉल काट दिया। स्विच ऑफ कर दिया। क्या स्विच ऑफ कर दिया? क्या बात है नताशा भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं साहिल भाई का रुझान किसी दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा हो? मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप, किसी दूसरी पार्टी की तरफ? भैया आप बोल क्या रहे हैं, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ भाभी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी भी ना अपने ऑफिस के साथ में काम करने वाली एक लड़की को लेकर भाग गए थे, और वो भी अक्सर संडे को घर से गायब रहते थे। ये बात तो आपको भी पता और मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ। और हाँ भाभी, लस्सी के लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी थी लस्सी, मजा आ गया। चलता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं साहिल भाई का रुझान किसी दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा हो? अपने ऑफिस के साथ में काम करने वाली एक लड़की को लेकर भाग गए थे, और वो भी अक्सर संडे को घर से गायब रहते थे। ये बात तो आपको भी पता। किससे मिलके आ रहे हो साहिल तुम? कुछ पूछ रही हूं मैं। जब तू संडे को ऑफिस जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? साहिल तुम बात कैसे कर रहे हो आज? जो कुछ भी बोल रहा हूं ना सही बोल रहा हूं, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। साहिल तुम उस पे शक कर रहे हो? इसमें शक करने वाली कौन सी बात है, सच बोल रहा हूं मैं, समझी? साहिल मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच है। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी। साहिल तुम जानते हो ना ऐसी बातों से रिश्ते टूट जाते हैं। कल टूटे सो आज टूट जाए, आज टूटे सो अभी टूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है साहिल, फर्क मुझे भी नहीं पड़ता है, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, जा रही हूं मैं। हाँ तो जाओ ना। हाँ ठीक है। मैं कौन सा मरे जा रहा हूं तुमसे बात करने के लिए? भाई जब तक मेरे घर की आग ठंडी नहीं हो जाती ना, मैं हर घर में आग लगाता रहूंगा। सत्य नाम है मेरा। सत्या भाई किसकी पुंगी बजा दी? अरे है ना अपनी सोसाइटी के वो गोल्डन कपल साहिल और नताशा, बस उनकी जिंदगी में ऐसी आग लगा दी ना, अब दोनों अलग होने वाले हैं। अब तो बस आखिरी तमाशा देखना बाकी है, वही जा रहा हूँ। वही मिलेगा। ये इसका भी नहीं सुधरने वाला था ना, इसका घर क्या उजड़ा है, ये सबका घर उजाड़ने पे तुला है। ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं। बहुत हो गया, अब नहीं रहना मुझे इस इंसान के साथ। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था, अब नहीं रहना मुझे यहाँ। बस अब सब खत्म। नताशा कहाँ जा रही हो तुम? अब नहीं रहना मुझे यहाँ पे, जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो। सुनने को रह ही क्या गया है साहिल? ये बैग रखो। देखो नताशा, हम दोनों के बीच जो गलतफहमी पैदा हुई है ना, उसकी वजह वो कमीना सत्य है। सत्य? सत्य भैया? हाँ हाँ सत्य, उसने ही हम दोनों के बीच में ये गलतफहमी का कीड़ा भरा, और तुम्हारे खिलाफ उसने ही मुझे भड़काया। क्या सच बोल रहे हो साहिल आप? हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने कानों से सुनकर और आंखों से देखकर आ रहा हूँ उसकी ये सारी करतूतें। हाँ साहिल अब मुझे भी समझ आ रहा है, कुछ दिनों पहले उन्होंने तुम्हारे खिलाफ मुझे भी भड़काया था, गलत फहमियाँ डाली थी मेरे मन में। वही तो, और उन सब की वजह से हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। सॉरी साहिल, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं मैंने तुम्हें गुस्से में क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं, और हमारा रिश्ता टूटने से पहले बच गया। तो मेरी प्यारी पत्नी जी,
आप प्यारी सी दो कॉफी बनाओ ताकि अपने खराब मूड को फ्रेश कर सकें। बिल्कुल, आप बैठिए, मिलाती हूँ। अरे मेरी जहाँ भी मेरी एंट्री होती है ना, बिल्कुल सही एंट्री होती है और बिल्कुल सही टाइम पर होती है। अब लेकिन जब एग्जिट होगी ना तो वो भी सही टाइम पे होगी। ये क्या बोल रहे हो साहिल भाई आप? सही बोल रहा हूँ मैं। तुम जैसे इंसान ना घर में बैठते हैं ना तो घरों में आग लग जाती है, और तुमने बहुत कोशिश करी हम दोनों के रिश्ते में आग लगाने की, लेकिन तुम्हारी दाल गल नहीं पाई। इससे पहले कि मैं धक्के देके तुम्हें निकालूं, चुपचाप जैसे आए थे ना वैसे ही चले जाओ। और सत्य भैया एक मिनट, जो आपकी वाइफ मायके में रहती है ना सिर्फ आपके इन करतूतों के वजह से, तो सुधर जाइए। यहाँ पे नहीं होने वाला था जो आप सोच के बैठे थे, और जाइए यहाँ से। खामखा मूड खराब कर दिया। चलो मैं कॉफी लाती हूँ आपके लिए, आप बैठिए।